राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित किया और लोकसभा और साथ ही राज्यसभा के सभी सांसद इस दौरान मौजूद दिखे। मोदी सरकार की नीतियों और साथ ही एजेंडे को सबके सामने रखा। संबोधन के बाद दोनों सदनों की कार्यवाही शुरू की गई। संसद में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का संबोधन हुआ और सभी निर्वाचित सांसदों को बधाई दी। मतदाताओं ने दुनिया में भारत के लोकतंत्र की शाख बढ़ाई है ये भी कहा और कहा कि जनता से मिला सरकार को स्पष्ट बहुमत, सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास के लिए बहुमत मिला है भाजपा को। महिलाओं ने ज्यादा से ज्यादा मतदान किया, चुनाव की सफलता के लिए मतदाता बधाई के पात्र हैं ये भी कहा और साथ ही चुनाव आयोग की पूरी टीम को बधाई दी। सुरक्षा बलों का योगदान भी सराहनीय रहा। कहा कि देश को 3 दशक बाद पूर्ण बहुमत की सरकार मिली है, दूसरी बार मजबूत समर्थन दिया, ये विकास यात्रा को आगे बढ़ाने का जनादेश है। आपके अनुभव से सब समृद्ध होगा और देश के हर व्यक्ति को समृद्ध करना सरकार का पहला लक्ष्य होगा। सरकार के प्रति जन विश्वास पहले से काफी बड़ा है, ये सब कुछ कहना था राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के अभिभाषण के बाद संसद की कार्यवाही शुरू की गई। और अभिभाषण में नई सरकार का एजेंडा साफ तौर पर दिखाई दिया। लोकसभा और राज्यसभा के सभी सांसद इस दौरान मौजूद दिखे और खास तौर पर बता दें कि मोदी सरकार की नीतियों और एजेंडे को सबके सामने रखा राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अपने संबोधन के जरिए। मतदाताओं ने दुनिया में भारत के लोकतंत्र की साख बढ़ाई है ये भी कहा और कहा कि जनता से मिला सरकार को स्पष्ट बहुमत और अब देश प्रगति कर राह पर होगा। और साथ ही महिलाओं ने सबसे ज्यादा मतदान किया इस बार, इसका भी जिक्र किया रामनाथ कोविंद ने।